जैसे कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स हो रहे हैं इंडिया में। हमने पहले एसटीए की बात करी, इसी के साथ हमने कॉर्व्यू कॉइन या फिर डीजीटी जैसे कॉइन्स की बात करी कि इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है जो कि 500 से लेकर 800 करोड़ तक के स्कैम रहे हैं। लेकिन अब इसी चीज़ को टैकल करने के लिए इंडिया ने खुद ने ही अपना खुद का लॉन्च किया है एक ऐसा डाटाबेस ग्लोबल क्रिप्टो क्राइम डिटेक्शन के नाम से, जो कि 2024 से फाइनली लॉन्च होने वाला है। तो इससे क्या है कि जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास पूरा डाटा होगा कि वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा तो इनको ट्रैक करने के साथ साथ उन सभी को दबोचा भी जाएगा जो ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं कि इंडिया कितना फास्टली आगे मूव कर रहा है, खासकर वेब 3 में और क्रिप्टो करेंसी में। यही कारण है कि जो जिमनी के CEO हैं उन्होंने भी कहा है कि इंडिया एक हब बनने वाला है वेब 3 की इनोवेशन का, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज का खासकर, जिस कारण रेगुलेशंस भी अभी बहुत जल्द इंडिया ही लाने वाला है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा हमें क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर हम देखें 2-3 कॉइन्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपको ऐसी रेगुलेशंस आने के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ इन्हीं कॉइन्स से नहीं बल्कि इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट आएगा, चाहे वो जिमनी एक्सचेंज ही क्यों ना आ जाए, चाहे वो कॉइन बेस एक्सचेंज क्यों ना आ जाए, तो उनकी एक्सचेंज का अगर हम कॉइन बात करें, कॉइन कहने का मतलब जैसे कि वजीरएक्स का WRX है, तो इन कॉइन्स में भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे हम सारे अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको कॉइन्स बता देता हूँ कि जिन कॉइन्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है, ध्यान देना है, जैसे कि वो है इंडिया का सबसे अच्छा कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक, जिसकी ऑलमोस्ट 12th रैंक के आसपास चलती रहती है, 12-13 रैंक के आसपास ये चलता रहता है, टॉप 10 में भी बहुत लंबे समय तक रहा है और वापस बार बार टॉप 10 में आता ही आता है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो $5.3 बिलियन है और इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बाइनेंस के ऊपर कोई भी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो हम पॉलीगॉन के नेटवर्क के द्वारा भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट अगर कोई है वेब 3 बेस्ड तो वो पॉलीगॉन है, इसके ऊपर खास ध्यान दो। अगर आपके पास अभी तक पॉलीगॉन मैटिक नहीं है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेटली WRX। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे एक रिप्लाई आया था निश्चल शेट्टी के द्वारा, जब मैंने ये पूछा था कि क्या ये सच में पॉसिबल होने वाला है कि WRX के ऊपर फाइनल डिसीजन आएगा या नहीं, क्या फिर वजीरएक्स अपना खुद का नया कॉइन लॉन्च करने वाला है, तो वजीरएक्स इसका फाइनल सोल्यूशन कब आने वाला है। तो ये चीज़ मैंने उनको पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इसका रेजोल्यूशन चल रहा है और बहुत ही जल्द आ जाएगा, और इन्होंने कहा कि WRX ही रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो WRX है इसी के ऊपर हमें अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। आज अगर आपको ये 10 सेंट के आसपास भी मिलता है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट प्राइस है जब आप WRX कॉइन को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसको अभी से बाय करें, होल्ड करें, और ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ शार्डियम से भी, यानी कि SHM कॉइन, जो कि इंडिया का प्रोजेक्ट है, हालांकि बेस्ड इन UAE है जो कि दुबई में है, लेकिन हम इसको इंडियन प्रोजेक्ट मानकर चलेंगे। तो SHM कॉइन जैसे ही लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसका बहुत जल्द टेस्टनेट, एक फाइनल टेस्टनेट होगा, फिर मेननेट आने वाला है, तो मेननेट आने के साथ साथ SHM कॉइन मार्केट में आ जाएगा, जिससे क्या कि SHM कॉइन बहुत तेज़ी से एक प्राइस मूव पकड़ने वाला है, बहुत ही बुलिश होने वाला है। तो SHM कॉइन को आप थोड़ा सा वेट करें, लेकिन आते ही आप इसके ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि यही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शेयर किए, जिसमें खासकर पॉलीगॉन है, या फिर वजीरएक्स का WRX है, या फिर वजीरएक्स का ही जो शार्डियम है SHM है, तो इनके ऊपर ध्यान देना। अब हम चलते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो क्राइम डिटेक्शन डाटाबेस बनाया जाएगा बाय 2024, जिससे क्या है कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है हमारे इंडिया का है, उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक करना है। हालांकि ये चीज़ गलत भी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी पूरा डाटा जाएगा, यानी कि ये जो बहुत ही ज़्यादा हमसे टैक्स ले रहे हैं, 30% टैक्स, 1% TDS, 20% TCS जो भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय के अंदर, तो इसका भी खास ध्यान देने वाले कि क्या कोई TDS दे रहा है या नहीं, या फिर कोई टैक्सेस पे कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ही नहीं बल्कि जो डार्क वेब है, डीप वेब है, उसके ऊपर भी ट्रैक किया जाएगा कि क्रिप्टो करेंसीज किस तरीके से कहाँ पे जा रही हैं। अभी जो G20 के लीडर्स हैं उनके द्वारा भी एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको बोलते हैं क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो CIRF के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा रहेगा जो कि गवर्नमेंट के पास ही रहने वाला है। अब इससे क्या होने वाला है, ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क बनाया गया, यानी कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्रिप्टो एसेट्स का डाटा शेयर करने वाले, जिससे क्या है कि हर कंट्री को, हर एक्सचेंज को, एक दूसरी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस, कंट्रीज की ट्रांजैक्शंस
का पूरा डेटा देना ही पड़ेगा और ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर ट्रैक रहेगा। वैसे देखा जाए तो अभी हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सिर्फ इसको सपोर्ट किया या फिर ऐसे ग्लोबल फ्रेमवर्क को एक हेल्प मांगी है कि सभी कंट्रीज इसको अडॉप्ट करें, लेकिन इसमें पूरी कोई सच्चाई नहीं है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो जिमनी के CEO हैं उन्होंने कहा है कि ये इंडिया Web3 का हब बनने वाला है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स इसी में चलने वाली हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे अगर थोड़ा रेशियो भी लेकर चले जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या होल्डर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं तो उसकी वजह से क्रिप्टो का अडॉप्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो जिमनी के CEO हैं उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इंडिया आगे रहे, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इंटरनेट हो, कोई भी चीज़ को अगर हम ले लें तो Web3 भी इसी चीज़ में आता है जिसमें इंडिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। इसी के साथ इन्होंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक हमारे लिए सरप्राइज ही रहने वाला है, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस रेगुलेटरी कैसे फ्रेमवर्क बनेगा, लेकिन आने वाले समय में ये एकदम से सरप्राइजिंगली आने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि 1% TDS सडनली आ चुका था और सभी इंडियन एक्सचेंजेस को वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ा। तो जिमनी बाहर का एक्सचेंज है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, तो इन्होंने गुड़गांव के अंदर अपना ऑफिस सेटअप किया है, तो 50 से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं, हायरिंग्स इसकी चल रही हैं। तो ये आज तक का मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अभी इन्फ्लेशन चल रही है और बेरिश मार्केट चल रही है इसमें काफ़ी सारे एक्सचेंजेस ने सिर्फ ले ऑफ ही किया। ये एक ऐसा एक्सचेंज है जो अभी ढूंढ रहा है कि करीब 200 तक एम्प्लॉयज और लाने वाले आने वाले 12 महीनों के अंदर। तो अगर इस तरीके के बड़े एक्सचेंजेस, अगर हम Coinbase की बात करें या फिर जिमनी की बात करें, बड़े एक्सचेंजेस अगर इंडिया में आते हैं और इस तरीके से काम करते हैं तो इंडिया को बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा कि क्रिप्टो को किसी न किसी तरीके से अडॉप्ट ही करवाया जाए। जैसे कि इन्होंने TDS सिर्फ इसलिए लगाया ताकि क्रिप्टो की ट्रेडिंग बंद हो जाए, लेकिन जिन्होंने ट्रेड करना है वो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर जाके भी ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट से सिर्फ यही गुजारिश है कि उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज एडवांस तो है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तो है जो अभी इनको समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर अडॉप्ट नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएंगे। अब जहाँ पे हम बात कर रहे थे G20 समिट में, तो वहाँ पे जो गाइडलाइंस बनाएगी, फ्रेमवर्क बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला वो यही आएगा कि जो फाइनल गाइडलाइंस बनती हैं वो बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही मानता हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करने वाली अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी रेगुलेशंस बनाई जो कि स्ट्रिक्ट हो। अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आती हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन नहीं हो पाती, या फिर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं काम करना चाह रही इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, अगर वो खुल के काम नहीं कर पाएंगे तो ऐसी अडॉप्शन कोई भी नहीं करने वाला, ऐसे फ्रेमवर्क कोई भी नहीं लाना चाहता। तो होपफुली ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो उन रेगुलेशंस को चेंज भी किया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैंने आपको जो कॉइन सजेस्ट किए इनको ज़रूर चेक करना। एंड हाँ, इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉर्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली कवर करेंगे BTC का नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है, इवन पाई नेटवर्क का वीडियो भी जल्द लेकर आएंगे। पाई नेटवर्क के साथ साथ कुछ जो स्कैम्स चल रहे हैं, ST की हमने बात करी लास्ट कुछ वीडियोस में, ST के साथ कॉर्वियो कॉइन की बात करी, हाइप नेक्स्ट की बात करी, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको किसी भी कॉइन प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।